ग्रीन डायमंड उपहार में दिया है। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भी भेंट किया, जिसे जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार द्वारा हस्त निर्मित किया गया है। इस पर मैसूर से प्राप्त चंदन में जटिल रूप से नक्काशीदार वनस्पतियों और जीवों का पैटर्न बना हुआ है। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री ने विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया है और जो फर्स्ट लेडी हैं उन्हें 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड दिया है। और ये जो विशेष मुलाकात रही फर्स्ट लेडी और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, आप देख सकते हैं बेहद खास रही, अनौपचारिक सी मुलाकात है ये, और एक नए आयाम की तरफ बढ़ते हुए दोनों देशों के रिश्ते। जब हम 21वीं सदी में भारत के युग का जिक्र करते हैं, हम भारतीय ताकत की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज़ की बात करते हैं, तो भारत अपनी बात मुखरता से रखता हुआ और अमेरिका के साथ रिश्तों को एक नई परिभाषा देता हुआ। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही है अभी इस वक्त की, और इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण अब कार्यक्रम होने हैं। जो आधिकारिक बातचीत है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में प्रतिनिधि मंडल स्तर की, वो आज शाम को, यानी कि वहाँ के अनुसार वो कल आज वो बातचीत होगी। उसके अलावा संसद के संयुक्त सत्र को, अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को भी प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर संबोधित करेंगे। साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से उनके राजकीय सम्मान में भोज भी वहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर ये कहा जाए कि भारत और अमेरिका के जो आपसी संबंध हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं, और इन संबंधों में एक दूसरे को किस तरह से दोनों देश आगे ले जा सकते हैं, उस संबंध में जो महत्वपूर्ण बातचीत होगी वो अब आज होगी। और ये जो पर्सनल कनेक्ट है प्रधानमंत्री का, जब किसी देश में किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं चंद्रशेखर, यही उनको हम मान सकते हैं कई प्रधानमंत्रियों से अलग बनाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस तरह से जो पर्सनल केमिस्ट्री है और दोनों राष्ट्राध्यक्षों की, ये हमने कई जो मल्टी लैटरल फोरम्स हैं वहाँ पर देखी है, और उसकी वजह से ही हम ये मान सकते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में एक भावी असर नज़र आता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल कई अलग क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात की, जिसमें साइंटिस्ट मौजूद थे, शिक्षाविद थे, स्कॉलर्स थे, उस लिहाज से ये बात समझ में आती है कि कैसे हर क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से जो टेस्ला और ट्विटर के संस्थापक एलन मस्क ने भी साफ तौर पर कहा, आधे घंटे की मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो मैं भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक हूँ, और प्रधानमंत्री को जिस तरह से भारत की परवाह, इसलिए ये भी प्रधानमंत्री के लिए लगातार कहा जाता है कि रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, और भारत की बात सुनाने से अब पूरा विश्व भारत की बात सुन भी रहा है। इसलिए योग डिप्लोमेसी के जरिए जिस तरह से नया कीर्तिमान कल स्थापित किया गया, और अब जिस सॉफ्ट अलायंस, जिस सॉफ्ट पावर का जिक्र लगातार जोशीम करते रहे हैं G20 की बैठकों में हम देख रहे हैं, वो इन दोनों देशों के रिश्तों को बहुत एक अलग स्तर पर ले जाने की उम्मीद रखता है।